नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज हम जानेंगे कि पैरामेडिकल क्या है और इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और साथ ही हम जानेंगे कि इसमें कैरियर की क्या क्या संभावनाएं हैं। 12वीं में विज्ञान विषय से पास हुए स्टूडेंट के लिए पैरामेडिकल एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन बहुत से छात्रों को यह पता नहीं रहता कि पैरामेडिकल करने के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि पैरामेडिकल क्या है। यह विज्ञान से जुड़ा एक क्षेत्र है। पैरामेडिकल में कार्यरत डॉक्टर को एक सहायक डॉक्टर भी कहते हैं। यह डॉक्टर्स की तरह काम करते हैं। इसके अंतर्गत फ्रैक्चर प्रबंधन, जलने की दुर्घटना, रीढ़ की हड्डी के चोट का मूल्यांकन करना आदि काम आते हैं। पैरामेडिकल के लिए योग्यताएं। आपको विज्ञान विषय में 10वीं और 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके बाद आप डिग्री कोर्स और पैरामेडिकल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। पैरामेडिकल की तैयारी कैसे करें? पैरामेडिकल परीक्षा में पास होने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही होती है, साथ ही पैरामेडिकल की तैयारी के लिए कुछ आसान से टिप्स होते हैं जिसको फॉलो करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। सबसे पहले एक टाइम टेबल बना लीजिए। सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। ऐसा एक भी टॉपिक ना रहने दें जो आपने पढ़ा नहीं हो। जितने भी ज़रूरी टॉपिक्स हैं उनके अलग अलग नोट्स बना लीजिए। जिन टॉपिक की पढ़ाई आपने कर ली है उन्हें रिवाइज करते रहें। अब बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्स की जानकारी के बारे में। पैरामेडिकल में 3 तरह के कोर्स आते हैं, जो कि है डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स एंड सर्टिफिकेट कोर्स। इन तीनों कोर्स की योग्यता के अनुसार आप किसी भी कोर्स को कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिग्री में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर स्पीच थेरेपी, BSc मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी। ये तो रही डिग्री कोर्स। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा कोर्स के बारे में। इसमें है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट, डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं पैरामेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में। सर्टिफिकेट इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन रूरल हेल्थ केयर, सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन, सर्टिफिकेट इन डेंटल असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर। तो दोस्तों, ये तो रही पैरामेडिकल कोर्स के बारे में जानकारी। अब हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद कौन कौन से फील्ड में कैरियर बनाया जा सकता है। पैरामेडिकल करने के बाद बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां आप नौकरी कर सकते हैं। यह एक ऐसा कोर्स है जिसकी विदेशों में बहुत डिमांड होती है। रेडियोग्राफी, इसके अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो कि रेडिएशन के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। रेडियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, एक्सरे, MRI आदि किया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, नर्सिंग होम में इसकी आवश्यकताएं होती है। ऑप्टोमेट्री में मानव की आँख की क्रियाविधि शामिल होती है, जिसमें आँख की हर तरह की परेशानियों को जांचा जाता है। ऑप्टोमेट्री के अंतर्गत डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स किया जाता है, जिसके बाद आप आई क्लिनिक पे या फिर किसी हॉस्पिटल में नौकरी कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी, किसी रोग को जांचने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें ब्लड बैंक, क्लिनिकल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे कोर्स इसके अंदर आते हैं। इन सारे कोर्सेस को करने के बाद आप किसी भी क्लिनिक में जाकर जॉब कर सकते हैं। फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के अलग अलग तरीकों का विकास करना, फार्मास्यूटिकल के उत्पादों को बनाना, यह फार्मासिस्ट में होता है। इसके अंतर्गत आप प्राइवेट और सरकारी संस्थानों में मेडिकल फार्मासिस्ट, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही पैरामेडिकल कोर्स की जानकारी। इसमें आप बहुत ही अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।